दिवाली के बाद से ही बुलंदशहर की आबोहवा खराब खराब सी चल रही है। शहर का AQI 300 के करीब चल रहा है। करीब ऊपर से आती पराली भी शहर के लोगों का दम घोटने के लिए तैयार है। DM के लगातार जागरूकता के बाद भी किसान पराली जलाने से पीछे नहीं हट रहे। इसे लेकर अब बुलंदशहर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। खुद DM CP सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद पराली जलाने वाले 7 किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। 7 घटनाएं पराली जलाने की आई थी। मैंने आप सभी के माध्यम से अपने सम्मानित किसान बंधुओं से अनुरोध किया था कि वो पराली किसी भी दशा में ना जलाएं और पराली हमारी गौशालाओं को दान कर दें या हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको दान कर दें। परंतु इसके बावजूद भी कुछ किसानों ने जिद करके पराली जलाई है। उनके विरुद्ध जो नियम संगत कार्रवाई है अर्थदंड की, वो हम लोगों ने की है। इसके अलावा उनको ये संज्ञान में आया है कि उन्होंने और लोगों को उकसा रहे हैं, उसके विरुद्ध हम उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज कराएंगे और यदि नहीं मानेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हालांकि पराली जलाने की ये तस्वीरें सिर्फ बुलंदशहर की नहीं है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धान की फसलें कट गई हैं। अब अगर खेतों में कुछ बचा है तो वो है सिर्फ पराली। ऐसे में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अफसर कर्मचारी परेशान हैं कि किसान कहीं खेतों में पड़ी पराली जलाने न लगे, जिससे एक बार फिर यूपी, दिल्ली समेत कई राज्य स्मोग की चपेट में आ सकते हैं। इसी से निपटने के लिए अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अफसरों और कर्मचारियों को आगे कर दिया है। पराली को लेकर सरकार सतर्क, किसानों को जागरूक करने में जुटी सरकार, ब्रिक्स प्लेट और पावर प्लांट लगाने पर जोर, अन्य दाताओं को आर्थिक मदद की भी तैयारी, पराली जलाने पर हो सकती है FIR। फिलहाल प्रशासन किसी तरह अन्नदाताओं को मनाने में जुटा हुआ है कि किसान अपने खेतों में पराली ना जलाए, क्योंकि इसका असर सिर्फ शहर में ही नहीं होता बल्कि आसपास के इलाकों में भी आबोहवा खराब हो जाती है और लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।